अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बसीरत ऑनलाइन की टीम इस वक्त बिहार इंतखाबी दौरे पर है। आज इसी सिलसिले में हम लोग बिसफी असम्बली हलके के डुमरी गांव पहुंचे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो जो अपना वोट डालने जा रहे हैं वो किस बुनियाद पर, किस मुद्दे पर और किस इशूज़ पर देने जा रहे हैं और किन को अपना वोट कर रहे हैं। जी, तो हमारे साथ हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, मैं जी बदुल हक साहब हैं। मैं चाहूँगा कि वो बतावें कि आखिर किन बुनियादों पर आप अपना वोट डालने जा रहे हैं। ये जो पार्टी अभी जो रोज़गार की बात करती है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है। जो बेरोज़गारी की बात करता है, नौकरी की बात करता है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि ऐसे ही कैंडिडेट को वोट करें जो गरीबों की बात करता है और रोज़गार की बात करता है, नौकरी की बात करता है। तो ऐसे कैंडिडेट को ही वोट किया जाए और ऐसे ही कैंडिडेट को ही लाया जाए। और हमारे साथ एक नौजवान भाई हैं, आप बताइए कि क्या आप जात पात की बुनियाद पर वोट कर रहे हैं या मुद्दे की बुनियाद पर वोट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो मुद्दे की बुनियाद पर वोट कर रहे हैं। फयाज साहब हमारे बिस्वी ब्लॉक से हैं तो हम लोग उसी को वोट देने जा रहे हैं। यानी कि फयाज साहब को वोट क्यों दे रहे हैं? क्या वो काम किया उन्होंने अच्छा इसलिए वोट दे रहे हैं या सिर्फ? जी, अच्छा काम किया है, 10 साल से जीत के आ रहे हैं, वो अच्छा काम किया है, इसके लिए दोबारा हम उसको सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अच्छे वोट से उसको कामयाब करेंगे। ये और भी हमारे इधर आइए जी। आप बताइए कि आप अपने इस जो क्षेत्र है, बिस्फी क्षेत्र है, आप किन को वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना अभी बदलाव चाहते हैं। वी वांट टू चेंज अदर गवर्नमेंट विदाउट मोदी। वी वांट टू गवर्नमेंट ऑफ तेजस्वी, सो आई एम वोटिंग द तेजस्वी। तेजस्वी को क्यों, सिर्फ तब्दीली के लिए या क्या कहते हैं, रोजगार के लिए या विकास? बिकॉज तेजस्वी इज अ यंग पर्सन एंड ही लिसन ऑल द गाइस एंड ऑल द बिहार पीपल, सो आई एम वोटिंग द तेजस्वी पर्सन। अच्छा, और भी हमारे चचा हैं इधर, आइए आप बताइए कि आप किस बुनियाद पर वोट करना चाह रहे हैं। तेजस्वी यंग है, तेजस्वी की बात पर आपको यकीन है और नीतीश क्यों पसंद है? अच्छा करते हैं, वो यंग है बोल के। नीतीश कुछ भी नहीं करा 15 साल में, क्या कहा, बेरोजगार है सब, लॉकडाउन हुआ बोल दिया जो जा रहे हो वहीं रहो, भूखा मारा बिहार के लोग, इस वजह से करें हम, इस वजह से सोच रहे हैं। बाकी फयाज साहब अपन 10 साल से बहुत अच्छा काम करे, इसलिए हम लोग उसी को जिताएंगे। बहुत अच्छा, हम लोग खद्दा था, कब्रिस्तान का हमारा ख़राब था, उसी बनाया, इसलिए फिर हम उसी को जिताएंगे भारी मतों से इंशाल्लाह। यानी कि विकास के मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं। जी, आप बताइए। मैं भी तो विकास के मुद्दे पर वोट करूँगा। चलिए, और भी हमारे जी जी, आप बताइए कि आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे अपना? मैं विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहा हूँ और आने वाले समय में भी इंशाल्लाह ये खड़े होंगे तो हम लोग सहयोग करेंगे, फुली सहयोग। यानी कि इनके विकास से आप संतुष्ट हैं? जी जी, पूरे तौर पर संतुष्ट। या फुली। और हमारे इधर जी चचा, बताइए आप। ये जो अभी इलेक्शन आ रहा है बिहार के अंदर में जो हो रहा है, असल मुद्दा है एक्सचेंज होना, इसको ज़रूरी है। नई ऊर्जा की सरकार होती है उससे ही विकास होता है। विकास का असल मूल्य बहुत ये होता है कि एक धारा को ही लेके चलते रहेंगे, उससे अविनाश होगा, विकास नहीं होने वाला है। आज जो आजकल का जो माहौल बना हुआ है, ये सेकुलर को हम लोग वोट करने जा रहे हैं, सेकुलर को नहीं, क्योंकि जो इत्तेहाद की बात करें, जो विकास की बात करें, जो नौजवान की बात करें। यानी कि आपका कहना है कि आप विकास और भाईचारा की जो बात करेगा उसी को वोट करें? बिल्कुल, जो भाईचारा इत्तेफाक की बात करें, क्योंकि ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई और ना हम किसी पार्टी को ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, सिर्फ विकास और जो इत्तेहाद की बात करेगा बस उसको ही वोट करना, असल बेहतरीन काम यही है। हरे हर कोई का काम ये होना चाहिए कि एक धारा में या एक विचार के तहत नहीं जाना चाहिए या व्यक्ति विशेष नहीं बनना चाहिए आदमी को, जो बेहतर काम करे उसको वोट करना है और उसी में हमारी हम सबों का विकास है, हमारे बिहार का विकास है, ये असल बेहतर मौका है। तो आपने सुन लिया कि यहाँ पर जो लोग भी अपना वोट डालने जा रहे हैं, अब जो समझिए कि एक तरह से बिहार की जनता या गांव के जो लोग हैं, अब वो लोग भी जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ विकास के मुद्दे को बनाकर अपना विकास के मुद्दे पर अपना वोट करना चाह रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, अच्छी तब्दीली है। नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। जी जी जी, अच्छा, एक और नौजवान है, ये भी अपना कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर, हम लोग इसलिए वोट करना चाहते हैं, पिछली बार हम लोग को नीतीश कुमार धोखा दिया और हम चाहते ही नहीं कि धोखेबाज जो है फिर आए, क्योंकि जो एक बार फ्रॉडगिरी कर सकता है वो हर बार फ्रॉडगिरी करेगा। पिछली बार गठबंधन करके वोट लिया हम लोग का और वो फ्रॉडगिरी किया हम लोग के साथ, तो हम लोग आज क्या कभी नहीं चाहेंगे फ्रॉड को फिर वोट दें हम। और इस बार हम चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार बने, युवा है, हम लोग युवा की सरकार चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद तौकीर सितारे।
तो आपने सुन लिया नाजरीन जी जी, देखिए हमारे बहुत सारे भाई हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं जी, बताइए। हाँ, बात रखने का मतलब यही है कि इस मरतबा जो है तेजस्वी यादव साहब जो हैं, नौजवान हैं, यंग पार्टी हैं, उनको हम लोग लाना चाहते हैं सत्ते में। क्यों? इसलिए कि आपने देखा होगा अभी बिहार के अंदर कि कितने नौजवान बेचारे रोज़गारी से परेशान हैं, इसी तरीके से नौकरी के एतबार से परेशान हैं बेचारे, हर एतबार से उन्होंने वादा किया है। और रहा नीतीश जी का, तो वैसे भी उनका जो है एज 60 साल से ऊपर हो गया है, और जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं उनको थोड़ा साइड में रखा जाए ताकि उनकी सोच भी थोड़ा साइड में लग जाए। रिटायर हो गए मानना जो है रिटायर हो गए, इसलिए बेहतर यह है इस मरतबा जो है जम करके वोटिंग करें लालटेन छाप पे, और इंशाल्लाह उनको विजय बनाएं। ठीक है, इंशाल्लाह सबका विकास सबका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप युवा हैं, कुछ बोलेंगे? सर, मैं नौकरी के इसमें बोलना चाहता हूँ कि वो नौकरी के बहुत धोखा दिया है नीतीश कुमार, इसके लिए आपको आप नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार बैठे हुए हैं नौकरी के इंतजार में कि कब नौकरी मिलेगा, बाहर खुलेगा, गाड़ी वाड़ी कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए सोच रहे हैं कि नया युवा नेता को लेकर आने का। आप अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तेजस्वी आएंगे तो नौकरी मिलेगी जी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। तो ये थे हमारे नौजवान जो बेचारे बेरोज़गार हैं और अपने रोज़गार के इंतज़ार में तेजस्वी को लाना चाहते हैं। नाज़रीन-ए-किराम, आप हमारे साथ बने रहें, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।